A ship sent out ultrasound that returned from the seabed and is detected after 3.42 सेकेंड. ठीक है, हमारे पास एक शिप है जिसने अल्ट्रासाउंड, ठीक है, सी बेड की तरफ भेजी है, तो वहाँ से वो गई और नीचे जाके टकरा के दोबारा वापस आई, तो इसमें कितनी देर लगी? 3.42 सेकेंड लगी. इन द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड. अगर स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है वो अगर 1531 मीटर पर सेकेंड है, तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है सी बेड तक कितना डिस्टेंस है. तो ये न्यूमेरिकल 11.5 से मिलता जुलता है. तो गिवन डेटा, टाइम पीरियड हमारा कितना लग गया? 3.42 सेकेंड लग गए. और टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच सी बेड तक पहुंचने में जो टाइम लगा आवाज़ का, क्योंकि ये जो टाइम है ये आवाज़ के बेड तक जाके टकरा के वापस मुड़ के आने का टाइम है. उसके मुकाबले में हमें सिर्फ वो टाइम चाहिए जो उसने यहाँ से लेकर सी बेड तक जाने में लिया. तो हम क्या कर लेंगे? उसको आधा कर लेंगे, टू से डिवाइड कर लेंगे. 3.42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.71 सेकेंड आ जाएगा. वेलोसिटी भी हमें गिवन है 1531 मीटर पर सेकेंड है. तो फार्मूला हम वही डिस्टेंस वाला यूज़ करेंगे जो हम 9th क्लास में यूज़ करते थे. अगर हमें वेलोसिटी और टाइम पता हो तो s इज इक्वल टू v इंटू टी होता है. ठीक है, s इज इक्वल टू v की जगह हमने 1531 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई टी की जगह 1.71. दोनों को कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो 2618 मीटर. तो यहाँ से यहाँ तक जो सी बेड की डेप्थ है, देखते हैं सी बेड कितना नीचे है, वो 2618 मीटर नीचे है. इसके साथ हमारा 11.7 न्यूमेरिकल कंप्लीट.